हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरी वन ऑन ई करियर पॉइंट नीट चैनल आई एम योर रोहित सर एंड वी हैव स्टार्टेड अ चैप्टर जो कि आपकी बायो की ट्वेल्थ क्लास की एक चैप्टर है चैप्टर नंबर बेस ऑफ इनहेरिटेंस और हम यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करा कर रहे हैं ना और हमने लगभग बहुत सारे आर्टिकल्स इस चैप्टर से जो रिलेटेड है क्योंकि ये बहुत ही लेंगे चैप्टर है और एनसीआर की हर एक लाइन पे हम कमांड करना चाहते हैं तो हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर रखा है कर रहे हैं ना तो यहां पर जो भी चीजें हमें पढ़नी है वो बिल्कुल क्लियर करके पढ़नी है एक एक लाइन को क्लियर करना है तो सारे बच्चे जो आ चुके हैं एक बार सबसे मिल लेते हैं महक शिवानी राजीव पल्लवी पलक आनंद राजीव सिमरन सौरभ बुषा अमन बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चे बिल्कुल हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन दुष्यंत सुष्मिता चलिए वेरी गुड दुष्यंत गुड इवनिंग गुड इवनिंग सुदेशना गुड इवनिंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आप सारे बच्चे आ तो चुके हो पर आपके जो फ्रेंड लैग लैक कर रहे हैं उनको भी जल्दी से, से सेशन के लिए बुला लो क्योंकि आज ना एक बहुत ही बेहतरीन चीज सीखने वाले हैं हम हम ये सीखने वाले हैं कि हमारी बॉडी में भी कोडिंग होती है आप लोग आजकल कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये समझते हो कि कोडिंग होती है यानी अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को पास करना चाहते हो तो आप कोडिंग कराते हो है ना जैसे इनपुट आउटपुट आप भेजना चाहते हो तो यू है यू नो कि बाइनरी कोड्स का यूज हम करते हैं पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपकी बॉडी के अंदर भी आपकी बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो भी कोड से आते हैं और वो कोड है आपके जेनेटिक कोड जिसको आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट उसका क्लियर करेंगे क्योंकि ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा यस सो गुड इवनिंग टू एवरी चलिए मीना गौरव भास्कर यस yes, पलक चलिए आप भी आ गए हो अमित शर्मा

क्योंकि मुझे पता है कि फिजिक्स एक बहुत बड़ा डर होता है होता क्या है कि हम बायो पढ़ लेते हैं, केमेस्ट्री पढ़ लेते लेते हैं हैं केमिस्ट्री पर फिजिक्स फिजिक्स पढ़ना हमें बहुत जरूरी है है ना तो आ, फिजिक्स के स्कोर्स कम हो जाने का कारण होता है कि हम तरीके से उसे कॉन्सेप्चुअलाइज करके नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं और सो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कोर्स है जिसको आपको परचेज करना ही चाहिए विद इन हंड्रेड डेज कोर्स आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी तो नीट की प्रिपरेशन बहुत शानदार आपकी हो सकती है है ना इसके अलावा सीपी स्टार आपको पता है कि आपको एक ऐसा टेस्ट देने का मौका मिलने वाला है जिसमें आपकी एक ऑल इंडिया रैंकिंग जनरेट होगी और ऑल इंडिया रैंकिंग के लिए ही तो आप सारा कुछ काम कर रहे हो आप सारी ये दो साल की मेहनत लगाते हो तो अगर हम उसका प्रीव्यू देख ले कि ऑल इंडिया में हमारी कहां पे कंपटीशन का लेवल है तो फायदा क्या होता है कि आगे चल करके हमें पता होता है कि चलो मेरी रैंकिंग यहां आ रही थी या इतनी अच्छी आ रही थी तो मेरे को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है स्ट्रेटेजीज प्लान करने है सो फॉर दैट दिस सीपी स्टार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसका एग्जाम जरूर आप सभी दें है ना इसके अलावा आपके किसी तरह का अगर कोई डाउट है तो डाउट हेल्प ऐप आप आपको डाउनलोड करना चाहिए एक, आप, एक बार फिर मोबाइल हो में हो तो दोनों दोनों आप आप होना ही चाहिए और आप सभी को अब बहुत फायदा होने वाला क्योंकि जिन बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि सर ई पॉइंट लर्निंग ऐप से पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहे आपके लिए खुशखबरी है कि अब पीडीएफ मोबाइल से भी आराम से डाउनलोड हो रहे हैं तो आप आराम से जो भी यहां पे पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको बहुत आराम से अवेलेबल है क्या करना होता है लर्निंग ऐप के फ्री uh, स्टेप्स में जाना होता है मेडिकल कोर्स सेलेक्ट करना होता है और वहां पर जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा जैसे मैं बायो में अभी मॉलिकुलर बेसिस पढ़ा रहा हूं सर्च करो और वहां पे उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लो इवन जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाता है तो इससे बेहतर आपको क्या है है ना कि यहाँ पे क्लास करो बाकी पीडीएफ आपके पास है इन दोनों चीजों को जब आप कर लेते हो एमसीक्यू सीरीज uh, में आ जाओ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो नीट के लिए तैयारी आपकी कंप्लीट हो रही है सो इट इज अ ब्रिलियंट चांस फॉर एवरी तो ये आपको करना जरूरी है तो अपडेट जरूर कर ले है ना ओके वेरी गुड मयंक इज सेइंग सर वॉइस बहुत लाउड आ रही है ओके इज एवरीवन फेसिंग द सेम प्रॉब्लम क्या सबको प्रॉब्लम आ रही है वॉइस वॉइस के साथ जल्दी से बताना सब बताना सब कि लाउड uh, बहुत आ रही है तो उसको चेक करते हैं ओके यस विदे गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आ, नहीं ठीक है चलिए तो बिल्कुल सही आ रही है आवाज तो आप सबको ये बात क्लियर हो गई सो नाउ मिनटी क्विज के बारे में भी आप सभी को पता है कि मेंटी के बारे में राजीव आज एमसीक्यू तो नहीं है पर एमसीक्यू से बेटर एनसीआर की एक क्वेश्चन है जिसको हम करने वाले हैं मतलब सॉल्व कुछ ना कुछ तो आज करेंगे जरूर पर जब जेनेटिक कोड पढ़ लेंगे तो बहुत मजा आने वाला है ठीक है तो आप आराम से बस चीजों को ध्यान रखना मेंटी क्विज के बारे में आप सभी को पता है कि हमारे पास वॉल ऑफ फेम कंडीशन है जिसमें अगर आप अच्छा करते हो टॉप थ्री में आते हो तो योर पिक गेट अपलोडेड सो इट्स अ वेरी ग्रेट चांस फॉर यू टू गेट फेमस आपको फेमस होने का एक बहुत बढ़िया चांस so, मिलता है सो मेन्टी मीटर को आप जेनेटिक क्विज को आप सीरियसली लिया करो ठीक है तो ये सारे चीजें आपको करना जरूरी है और जल्दी सब सेशन को भी शेयर करना जरूरी है ताकि आपके सारे फ्रेंड्स आ जाएं क्योंकि आज उनको बहुत ही अच्छी बातें मैं सिखाने वाला हूँ दैट इज द जेनेटिक कोडिंग सिखाऊंगा और साथ के साथ जो कल के क्लास की बातें थी वो आपको याद हो कि हमने शुरू किया था पढ़ना ट्रांसक्रिप्शन और हमने प्रो के अंदर ट्रांसक्रिप्शन देखा था जहां हमने कहा कि तीन स्टेप्स में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था सबसे पहले इनिशिएशन हुआ था है ना जहां पे हमने देखा था आरएनए एन ए इंजाइम प्रमोटर साइड पर किसको फाइंड करता है सिग्मा फैक्टर को फाइंड करता है और इनिशिएशन करता है देन इलोंगेशन होता था और इलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन होता था जहां पर रोहो फैक्टर मौजूद था तो आपने ये पूरा का पूरा जो स्टफ था प्रो का वो पढ़ लिया था और हमने ये बात करी थी कि यू में ये प्रोसेस थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्यों हो जाएगा इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे सो गेट रेडी फॉर टुडे सेशन सारे बच्चे रेडी हो गए सेशन के लिए यस yes. एक बार जल्दी से थम्सअप की साइन दे करके सभी बता देंगे कि हाँ बिल्कुल आप सभी रेडी हो तो हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करने वाले यस yes, राम गोपाल वर्मा गुड इवनिंग चलिए ओके गुड तो बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को आप सभी को सेशन में सिर्फ इतना करना है कि सेशन को लाइक और शेयर करना है अब एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि कल के सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था और कमेंट बॉक्स में किसी ने भी होमवर्क का आंसर नहीं किया था याद करो मैंने कल एमसीक्यू कराते दौरान फोर्थ एमसीक्यू जो था जहां पर मैंने आपको बोला था कि डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस में जो प्यूरिन और पायरिमिडीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हैं इससे क्या इफेक्ट होता है डीएनए पे तो उसका जो आंसर था वो मैंने आपको कहा था कि आप ध्यान से चीजों को समझ करके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना बट किसी ने भी वहां पे कमेंट नहीं किया था तो दैट इज वेरी कंडीशन ऑफ कि आप वहां पर उस चीज को मिस कर रहे हो सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर टेलिंग यू ऑलवेज दैट कि ये आपको हमेशा ध्यान रखना कमेंट बॉक्स का यूज करो कमेंट बॉक्स में आपको जो होमवर्क देते हैं उसका आंसर जरूर करा करें है ना तो उसका आंसर चलो मैं आप बता दे रहा हूं द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन जो कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि आपको याद करो मैंने बताया था कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है वो बेसिकली यूनिफॉर्म विथ जो डीएनए की है उसको मेंटेन रखती है जो डीएनए का यूनिफॉर्म विथ है आपने देखा था कि पिच हमने देखा था कि जब एक uh, नाइट्रोजन तो बेस के हम पिच की बात करते हैं तो दैट इज थ्री पॉइंट फोर ये एंगस्ट्रॉन तो वहां पर हमने इसके बारे में लास्ट क्लास ये जो लेक्चर थे उनमें बात कर रखा था तो आपको बहुत जरूरी है कि जब भी मैं कोई होमवर्क देता हूं तो वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना ही चाहिए ठीक है कोई बात नहीं जिन लोगों ने मिस कर दिया था वो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे ठीक है तो उसका जो करेक्ट आंसर वो ये है कि यूनिफॉर्म विध को वो मेंटेन रखता है यूनिफॉर्म विथ को मेंटेन रखता है तो इस बात को सारे बच्चे समझ चुके हैं सो नाउ आई एम अबाउट टू स्टार्ट द ओके कोई बात नहीं ठीक है भूल गए थे तो अब लेकिन भूलना नहीं है बी सीरियस फॉर दैट क्योंकि आप सीरियस रहोगे तभी सेशन लगातार ऐसे आते रहेंगे और आपको मजा आता रहेगा ठीक है सो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस टॉपिक तो अब देखो कल की क्लास में आपको बताया था प्रो कैरियॉर्ड्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन तो बैक्टीरिया के अंदर क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन था वो हमने समझने की कोशिश की थी तीन स्टेप्स के अंदर इनिशिएशन इलांगेशन एंड देन टर्मिनेशन ठीक है आपको बताया था कि बैक्टीरिया में तीन तरह के आर एन ए होते हैं एम आर एन ए टी आर एन ए और फिर आर आर एन ए सबके फंक्शन बता रखे थे अब यहां पर एक और पॉइंट क्या ध्यान रखना है वो देखो कि अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया में की तो बैक्टीरिया होते क्या है बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है और जो साइटोसोल पार्ट है ठीक है जो साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है उनके बीच में किसी तरह का कोई बाउंड्री नहीं होता है क्योंकि वो प्रो हैं कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है तो होता क्या है वहां पर कि जो न्यूक्लियस में जो काम हो रहा है वो साइटोप्लाज्म की तरह ही हो रहा है दोनों मतलब कि वहां पर बाउंड्री नहीं है तो हम डिमार्केट नहीं कर पाते हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी बैक्टीरिया में क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही ट्रांसलेशन हो जाए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने से पहले ट्रांसलेशन हो जाता है या उसके साथ के साथ हो रहा होता है तो बैक्टीरिया के अंदर इसलिए कोई ए, ए, ये ए, हम यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है मतलब आ, प्रोसेस तो आपको पता ही कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आर बनता है और ट्रांसलेशन में क्या है आर प्रोटीन बनाती है ठीक है तो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के अंदर ये डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहां पर साइटोसोल और न्यूक्लियस के बीच में किसी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं है और जब मेम्ब्रेन नहीं है तो दोनों फंक्शंस जो है वहां पे बहुत कॉमनली चल रहा होता है ठीक है तो ये पॉइंट सबको बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान जरूर रखना है तो इस बात का सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर देखो यहां ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट तो ये लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वहां पर क्यों हम कह रहे हैं कि सेम कंपार्टमेंट में हो रहा है ठीक है यस yes, ओके uh, okay. आप uh, देखो अब आज फिर आपस में बातचीत नहीं करेंगे आप सभी क्योंकि अगर आप आपस में बातचीत करते रहोगे तो फिर uh, कल की तरह ही हो पाएगा कि हम सेशंस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे सो so, आपस में कोई बात नहीं, नहीं करेंगे और ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो मैं आपको क्या पॉइंट समझा रहा हूं तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दौरान जो सेम कंपार्टमेंट है वहां पर सेम कंपार्टमेंट यानी कि सेम जगह पर ही चीजें हो रही है क्योंकि कोई वहां पे मेम्ब्रेन नहीं है ध्यान से समझना इस बात को छोटी बातें पर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहां पर यही है कि सेपरेशन ऑफ साइटोसोल और न्यूक्लियस नहीं होता है बैक्टीरिया में मेनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगेन मच बिफोर दर एम आर एन एज फुल्ली ट्रांसक्राइब तो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा हो जाता है कि ट्रांसलेशन जो बाद का प्रोसेस है वो के ट्रांसक्रिप्शन से से पहले ही हो जाए मेरे ख्याल आपको अब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लीकेशन जैसे वर्ड से किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है यस और नो सारे बच्चे जल, जल्दी से बता देंगे कि हाँ ये सारे वर्ड सर अब कोई तकलीफ नहीं देते हैं कि अगर आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो तो भी समझ में आ रहा है ट्रांसलेशन कहते हो तो भी समझ में आता है और अगर आप रेप्लीकेशन कहते हो तो भी यह बात समझ में आता है अगर आपको ये तीनों चीजें अगर समझ में आता है तो मुझे जल्दी से बताएंगे कि हाँ सर इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इन इन सब में अब दिक्कत नहीं आती ताकि मैं फ्रीक्वेंटली इन वर्ड्स को अब यूज कर पाऊं चलिए वेरी गुड ओके तो ये बात आपको ध्यान रखना है

अब एग्जामिनर बड़ा दिमाग वाला होता है वो आपको गलतियां कराना चाहता है वो क्या करेगा ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को वहां पे दे देगा और पूछेगा कि करेक्ट स्टेटमेंट है या रॉन्ग है ठीक है अब तुम्हें क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग तो ये कहेगा कि यार ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही तो ट्रांसलेशन होगा एक साथ थोड़ी होगा सर ने पढ़ाया था पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है फिर ट्रांसलेशन होता है अब क्योंकि मैंने ये पढ़ाया था अब आप एग्जाम में जाओगे आपको वो लाइन दिखेगा तो ये लाइन दिखते ही आपको समझ में आएगा अरे यही तो गलत स्टेटमेंट यही रॉन्ग स्टेटमेंट है और आप ये रॉन्ग स्टेटमेंट को वहां पर रॉन्ग कह करके आ जाओगे बट अगर ये पैराग्राफ अब मैंने पढ़ा दिया है तो मेरे ख्याल से अब आप गलती नहीं करोगे कि सर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो जाता है रीजन ये है कि वहां पे किसी तरह का कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो साइटोसोल और ये चीजें वहां पे कोई इश्यूज क्रिएट नहीं करते हैं क्या ये बात सबको समझ में आ गया है ये बात अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बता दो यस सर यहां तक में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए वेरी गुड वेरी गुड शिवानी आज एमसीक्यू सेशन नहीं है बल्कि उससे भी बेहतरीन चीज है तो आप लोग बस आ, यहां पर रहो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी लास्ट में जब हम लेट सॉल्व पे पहुंचेंगे तो देखना आज, आज आपके लिए कितनी अच्छी चीज वहां पे बताने वाले हैं जिसको आपको समझ करके बहुत मजा आने वाला है ठीक है यस सर बोर्ड्स वालों को दिक्कत आएगी नीट देने में बिकॉज नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी मैं आप नीट की सिलेबस पढ़ो ना नीट के सिलेबस पढ़ोगे तो बोर्ड्स तो उसके अंदर ही है अगर मैं कोई एक लंबी सी लाइन घींच दू ठीक है तो ये आपका नीट है और इसके अंदर ही तो बोर्ड्स आता था पहले भी तो रेडियू सिलेबस से क्या मतलब है हमें हमें तो सिलेबस पूरा पढ़ना है क्योंकि हमें नीट देना है और नीट जब देना है तो हम पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे रेड्यूज सिलेबस तो हम सिर्फ बोर्ड्स के टाइम पे फोकस करेंगे कि ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है क्लियर हो रहा है तो ये पॉइंट आप सबको बिल्कुल क्लियरली समझते हुए चलना है कि ये काम हमें करना है क्लियर हो गया चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे अब आ गया आपका यू जिसके ऊपर सस्पेंस बना हुआ था हम बार बार ये बात देख रहे थे कि मैं आपको बार बार कह रहा था देखो प्रो तो फिर भी हम थोड़ा बहुत समझ लेंगे लेकिन यू कैरियोर्स यू कैरियॉर्ट्स के साथ मामला यह है कि यू कैरियोर्स में ट्रांसक्रिप्शन समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्यों कॉम्प्लेक्स है अब मैं वो आपको रीजन दे रहा हूं यानी मैं ट्रांसक्रिप्शन की आपको नहीं समझाऊंगा आपको सिर्फ मैं बताऊंगा कि ट्रांसक्रिप्शन में हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ टू मेजर कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है तो दो वो मेजर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो अब देखते हैं देखो दो मेजर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है वो अब देखते चलना पहला क्या कहता है कि देयर आर एटलीस्ट थ्री आर एन ए पॉलीमिरेज याद करो बैक्टीरिया की हमने बात की थी कितने आर एन ए पॉलीमिरेज थे सिर्फ एक आर एन ए पॉलिमिरेज था

ओके okay, मयंक की एक बात जरूर सुन लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर आप मेरी बात नहीं समझे एक बार पूरा पढ़ाओ सर बोर्ड्स वालों को दिक्कत आएगी नीट देने में तो बिकॉज ऑफ रिड्यूसर तो लैग रहा है लग रहा है कि नीट में भी कम हो जाएगा नहीं मयंक नीट में कम सिलेबस अभी नहीं होगा इसके बारे में अभी टेंशन मत लो मैं बार बार कहता हूं मेरे सेशंस में कि आपको अभी नीट के बारे में ये नहीं सोचना कब होगा कैसे होगा क्यों होगा ये आपका काम नहीं है आपको जो सिलेबस दे गई है उसको पढ़ो क्योंकि नीट में भले ही से सिलेबस रिड्यूस हो गई आपको आगे चलकर मेडिकल कॉलेज जाना है जहां पे फिर तो पूरी सिलेबस पढ़नी होगी ना तो आप मत ये सोच के बैठो कि कम पढ़ेंगे और नीट सिलेक्ट हो गया बहुत बढ़िया अरे यार हो भी गए तो आगे जो पांच साल आपको एमबीबीएस कॉलेज जाने वहां पर क्या करोगे कम पढ़ करके पहुंचोगे वहां पर तो आप बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे तो आप बिल्कुल फोकस रहो मेहनत करना पड़ेगा शॉर्टकट से मिली हुई सक्सेस ना बस एक रात की होती है तो आपको आज रात को सक्सेस मिला कल सुबह वो खत्म हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप मेहनत करके कोई सक्सेस लेते हो तो ये लाइफ लॉन्ग रहेगी आपके लाइफ के बाद भी लोग आपको पहचानेंगे और जानेंगे तो उस तरह का मेहनत करना पड़ेगा आपको ठीक है तो ये बात ध्यान रखना है ओके लास्ट सेकंड पैरा क्या कह रहा है देखो ये वाला कंसिक्वेंटली ट्रांसलेशन कैन भी मैंने ये बात बोला कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक समय पर एक साथ हो सकता है इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैसेंजर आ रहे पूरी तरह से ट्रांसक्राइब हो यानी कि उसका ट्रांसक्रिप्शन हो उससे पहले ही ट्रांसलेशन हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर बस ये सिंपल सा लाइन है उसमें तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको चलिए ठीक है अब देखो ये क्या कह रहा है

सभी बच्चे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना मैंने एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट लाइंस दे रखे मैंने इसको पॉइंट्स में कर दिया है ताकि आपको याद हो जाए क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं क्योंकि नीट के अंदर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वो पूछ देते हैं आरएनए पॉलीमरेज किसको ट्रांसक्राइब करता है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस तो याद रखना आरएनए पॉलीमरेज ए वन किसको ट्रांसक्राइब करेगा आर आर एन ए को करेगा राइबोजोमल आरएनए को करेगा जबकि पॉलीमरेज थ्री जो होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये होता है टी आर एन ए के लिए फाइव एस आर आर एन ए के लिए और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस एन आर एन ए इसके लिए होता है ठीक है तो ये पॉलीमिने uh, और एस एन आर एन ए के लिए होता है जबकि अगर मैं बात करूं आरएनए पॉलीमेरेज सेकेंड की तो ये किसको ट्रांसक्राइब करता है तो ये ट्रांसक्राइब करता है प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आर एन ए लाइन याद रखना प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए मैं इसके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा

जो थर्ड है ये थर्ड वाला है थर्ड किसको कर रहा है आपको याद है कि अगर हम सेंट्रल डोगमा थ्योरी की बात करते हैं तो सेंट्रल डोगमा थ्योरी कहता है सबसे पहले डीएनए को रेप्लीकेट करो है ना फिर क्या करो फिर आप मैसेंजर आर एन ए बना दो इससे जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हो और इसके बाद प्रोटीन बनेगा तो ये जो मैसेंजर आर बनेगा ठीक है ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आर बनेगा तो जब मैसेंजर आर एन मैच्योर फॉर्म में बने तो इससे पहले क्या बनता है एच एन आर एन एन एम आर एन ए से पहले क्या बनता है एच एन आर एन ए आप कैसे इसको समझ सकते हो एच एन आर एन ए वो इमेच्योर इमेच्योर है और जब ये मैच्योर हो जाता है तो एच एन आर एन ए ही मैच्योर होकर एम आर एन ए कहलाता है तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एम आर एन ए से पहले कौन बनेगा तो एम आर एन ए से पहले बनेगा एच एन आर एन एच एन आर एन ए मैच्योर होकर के क्या बनाएगा एच एन आर एन ए मैच्योर होकर एम आर एन ए बनाएगा क्या यह बात सबको याद रहेगा क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो हम आगे देखने वाले हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ा रहा हूं कि यू कैरियॉर्ट्स में कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान तो पहला कॉम्प्लेक्सिटी है तीन आर एन ए पॉलीमिरेज का होना और इन तीनों के का जो फंक्शन है वो आपको याद रखना है मैसेंजर आयने का मतलब क्या हुआ messenger RNA से पहले क्या बनता है तो पहले बनता है है, जिसको हम कह रहे हैं क्या ये बात सबको हो हो जाएगा? याद हो जाएगा? याद याद करना इसलिए सबको याद हो जाना चाहिए ठीक है तो ये याद कर लेना क्योंकि ये सारी चीजें मैं आगे यूज करने वाला हूं ठीक है तो यह था आपका पहला कॉम्प्लेक्सिटी दूसरा क्या कॉम्प्लेक्सिटी है सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी समझो यहां पर क्या होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एग्जॉन एंड इंट्रॉन्स याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मैं यू की बात करूं तो यू में मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है और मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन में एक एग्जॉन पार्ट होता है जो कोडिंग टेम्प्लीट होता है और इसको इंटरप्ट करने वाला होता है इंट्रॉन्स इसको इंटरप्ट कौन करता है इंट्रॉन्स करता है याद आ गया तो जब एग्जॉन और इंट्रॉन दोनों मौजूद होता है तो उस कंडीशन में नॉन फंक्शनल कंडीशन बन जाता है यानी कोई काम का नहीं होता है अब अगर इस नॉन फंक्शनल को मुझे फंक्शनल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्जॉन को रखना होगा और इंट्रॉन को बाहर निकालना होगा एक्जॉन रखना होगा और इंट्रॉन को क्या करना होगा बाहर निकालना होगा समझना इस बात को तो यू कैरियो में ये एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज आ रहे हैं ना क्योंकि प्रो कैरियो में तो हमें पता ही है कि तीन स्टेप्स में होता है ट्रांसक्रिप्शन तो वो तो यहां भी होगा यू कैरियोट्स भी होगा लेकिन इसके अलावा देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है एक तो आईने पॉलीमरेज तीन है एक्स्ट्रा वहां पर दूसरा क्या हो रहा है कि दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही है कि कंडीशन की वजह से और इंट्रॉन वाला मामला आ रहा है इंट्रॉन क्या करता है एक्सॉन को इंटरप्ट करता है अब मुझे अगर इसको प्रॉपर बनाना है फंक्शनल बनाना है तो मुझे इंट्रॉन को हटाना होगा इस प्रोसेस को यानी कि इंट्रॉन को रिमूव करना क्या कहलाता है स्प्लाइसिंग कहलाता है तो समझना इस बात को कि अगर मैं ये एग्जॉन और इंट्रॉन दोनों को देख रहा हूं तो वो नॉन फंक्शनल कंडीशन है मुझे इंट्रॉन हटाना होगा ताकि मैं फंक्शनल बना सकूं तो इंट्रॉन का रिमूवल जो हम करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन पॉइंट भी आप सबको ध्यान रखना है इस बात को भी क्लियर रखना है क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है ठीक है जो भी पॉइंट्स में बताता जा रहा हूं ना ध्यान से बस सुनते जाओ क्योंकि अगर एक बार चीजें ध्यान से सुनते चले गए तो फिर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आ रहा आएगा ठीक है यस सिंबा सिंह सर आप गुस्से नहीं बिल्कुल गुस्से में नहीं है लेकिन हाँ एक चीज का प्रॉब्लम आता है कि आप लोग क्या होता है कंसंट्रेशन से डेविएट हो जाते हो क्योंकि देखो मॉलिकुलर बेसिस चल रहा है ये नॉर्मल चैप्टर्स नहीं है बायो के बायो के नॉर्मल चैप्टर्स में क्या होता है एक फिजियोलॉजी होती है और आप एक चीजें पढ़ते हो उससे चीजें क्लियर हो जाती है मैं बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी खुद कह रही है कि ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स है और इसलिए एनसीईआरटी अपने एनसीईआरटी में लिख रही है कि मैं आपको सारी बातें नहीं बता रहा है बताना चाह रहा हूं क्योंकि आप वहां पर समझ नहीं पाओगे तो मैं आपको यही तो कन्वे करने मैंने कहा था ना एनसीआरटी मेरे से अगर आप पढ़ रहे हो एनसीआरटी तो इसका मतलब आप एनसीआरटी से बात कर रहे हो और एनसीआरटी जो भी चीजें आपको कहना चाहता है वो आपको वहां पर मिल सकता है ओके तो इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि आप एनसीआरटी को फील करो आप सोचो कि एनसीआरटी क्या आपसे कहना चाह रहा है एनसीआरटी बार बार कह रहा है प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन जैसे तैसे मैंने आपको समझा दिया है यू कैरियोर्ट्स मेरे से पूछना भी मत क्योंकि यू कैरियॉर्ट्स काफी कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या है अब ये पूछ लिया जाता है नीट के अंदर है ना ये आपसे पूछ भी लिया जाता है तो ये चीजें भी हम देखेंगे मैं आ, क्वेरी सेशन कल सुबह दस बजे होगी आपको मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन तो बने रहो सेशन में आपको बताएंगे उसके बारे में भी ठीक है तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखना है ठीक है यस एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको लेकर के आ रहा हूं क्यों ताकि आपको ये चैप्टर ना कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े और आपको ऐसा लगे कि यार एनसीईआरटी याद हो गया एक एक चीज देखो ये क्या कह रहा है ये कहता है स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग क्या होता है अब आप समझ जाओगे स्प्लाइसिंग का मतलब है कि एक्सॉन इंट्रॉन जो दोनों मौजूद है उनमें से इंट्रॉन को हटा दो और सिर्फ एक्सॉन को रख लेंगे तो ये प्रोसेस है स्प्लाइसिंग का ठीक है तो ये स्प्लाइसिंग क्या होता है इंट्रॉन आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड इन अ डिफाइंड ऑन ऑर्डर ठीक है तो आपको अब ये समझ में आ गया कि जब ये टेम्पलेट था तो क्या था कि ये एग्जॉन वाला पार्ट कोडिंग कर रहा था पर इसको कोडिंग में रोक कौन रहा था इंट्रॉन रोक रहा था तो मैंने क्या किया स्प्लाइसिंग प्रोसेस लगाया और इस इंट्रॉन को ही हटा दिया ताकि अब ये क्या हो कि को, जो कोडिंग स्टैंड है यानी कि जो एग्जॉन्स है वो आपस में कनेक्ट हो सके और एक फंक्शनल स्ट्रैंड बना सके ये बात सबको समझ में आ गया क्लियर हो गया सभी को तो ये पॉइंट आप सब समझ गए नेक्स्ट देखो एच एन आर एन ए अंडर गोज एडिशनल प्रोसेसिंग याद करो मैंने कहा था ना मैसेंजर आर एन से बनने से पहले एच एन आर एन ए बनेगा हमने देखा था प्रिकर्शन ऑफ मैसेंजर आर एन ए प्रकर्शर का मतलब होता है मैसेंजर आर ए से पहले कौन बनेगा एच एन आर एन ए तो हुआ क्या एक कॉम्प्लेक्सिटी से तो हम निकले ही दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाती एक कॉम्प्लेक्सिटी ये थी कि हमने चलो एक तो काम कर लिया कि हमें पता है कि बेचारे एक्सॉन को इंट्रॉन्स बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो मैंने उस डिस्टर्बेंस को हटा दिया वहां से

इसका जो थ्री डैश एंड है उस थ्री डैश एंड पे हम क्या करेंगे इसके थ्री डैश एंड पे हम से कराएंगे तो ये जो थ्री डैश एंड है इस पे हम क्या करा रहे हैं टेलिंग करा रहे हैं तो कैपिंग और टेलिंग याद हो जाएगा आप सभी को कि एच एन आर एन ए के फाइव डैश एंड पे आप कैपिंग कराते हो और एच एन आर एन ए के थ्री डैश एंड पे आप क्या कराते हो टेलिंग कराते हो ये बात आप सबको याद रखना है फाइव डैश एंड पे कैपिंग किससे करा रहे हो आप कैपिंग कराते हो मिथाइल ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से और थ्री डैश एंड पे किससे कराते हो रेसिड्यू से कराते हो ये बात याद रखना पोजिशन याद रखना याद रखना मैं एमसीक्यू कराऊंगा इस चैप्टर पे है ना तो मैं बहुत डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं। क्योंकि मैं इस पे जब एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा ना आपका तो उस समय आपके आंसर सारे चाहिए मतलब जिसने से मैं आपको पढ़ा रहा हूं जितनी चीजें एक एक लाइन याद करवा रहा हूं ना वो सारा कुछ फिर मुझे नजर आना चाहिए इन द रिजल्ट की आपका जब वो मैं एमसीक्यू सीरीज में कराऊं करा तो वहां पर मुझे आपका वो रिजल्ट दिखना चाहिए बात समझ में आ रहा है यस तो बिल्कुल ये पॉइंट आप सबको क्लियर रखना है आपको ये सारी चीजें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिपेंडेंट मैनर में फुल्ली प्रोसेस्ड एच एन आर एन ए अब देखो जब एच एन आर एन ए पे कैपिंग हो गई टेलिंग हो गई तो अब एच एन आर एन ए क्या हो जाएगा फुल्ली प्रोसेस्ड हो जाएगा यानी फुल्ली मैच्योर हो जाएगा और मैच्योर होने की वजह से अब इसको हम क्या कहेंगे एम आर एन ए कहेंगे क्या कहेंगे इसको एमआरएनए कहेंगे तो आ गया ना एमआरएनए बन गया तो यूकेरियोट्स में देख लो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पहले तो तीन डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज आ जाते हैं फिर आपको स्प्लिसिंग करना पड़ता है फिर एचएनआरएनए को पहले तो एमआरएनए बनाना पड़ता है तब जाके कहीं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है यूकेरियोट्स में तो वो तीन स्टेप्स तो होंगे ही इनिशिएशन होगा ही होगा ही और ये टर्मिनेटर्स वहां पे यूज होंगे ही ठीक है लेकिन इसके बावजूद भी ये और कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाते हैं में जिसकी वजह से में ट्रांसक्रिप्शन काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है है ठीक और इस तरीके से जब एक बार एम बन गया है तो अब इसको ट्रांसपोर्ट कहां कर दिया जाएगा न्यूक्लियस से बाहर भेज दिया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के बाहर आने पर ट्रांसलेशन होगा इस बात को सारे बच्चे याद रखेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है न्यूक्लियस के बाहर जाने पर ट्रांसलेशन होगा क्या ये बात सबको समझ में आ गया है ना तो ये जल्दी से मुझे बता दो आ, कि आ, ये आप सभी को क्लियर हो गया यस सिद्ध सिंह यस मैं स्टडी के लिए बाहर आ गई थी ओके तो जल्दी से आप सभी बता दें कि हाँ ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो गया राजीव सिंह थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो थर्ड पॉइंट कौन सा था थर्ड पॉइंट व अरे बताया तो एच एन आर एन ए को क्या होना है मैसेंजर आर एन ए में ये मेच्योर होना है तो वो क्या करता है मेच्योर होने के लिए एच एन आर एन ए के फाइव डैश एंड पे कैपिंग हो जाती है और थ्री डैश एंड पे टेलिंग हो जाती है तो ये बात आपको बता रखा है ठीक है क्लियर हो गया तो सबको ये बात क्लियर हो गया सबको समझ में आ गया तो देखो चीजें जब आप पढ़ोगे ना डिटेल में तब मजा आता है मजा क्या आता है कि आप जब डिटेल में चीजें पढ़ते हो एक एक चीज को पढ़ते हो ना तो आगे की चीजें भी याद आने लगती हैं और इसके आगे अब क्या पढ़ेंगे ना बिना पढ़ाए हुए मैं आपसे पूछूं और आपका आंसर हो जाना चाहिए अब आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं तो आगे क्या बनाना है हमें मैसेंजर आने क्या बनाना है प्रोटीन बनाना है यानी ट्रांसलेशन कराना है इसका मतलब है कि सर अब यहां पे क्या मामला होने वाला है ना कि सर आपने बताया कि डीएनए के रेप्लीकेशन में डीएनए का एक स्ट्रैंड अपनी दूसरी कॉपी बनाता है दैट इज यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड दूसरी nucleotide के साथ बातें कर रहा है डीएनए से मैसेंजर आर एन ए भी बनने में यही कार, सारे कहानियां है कि वो न्यूक्लियोटाइड वाला ही कंडीशन चलेगा वहां भी न्यूक्लियोटाइड जैसा ही कुछ चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग चलेगा बट सर अब प्रॉब्लम आने वाला है क्यों क्योंकि एम आर एन ए अब बनाएगा प्रोटीन में तो न्यूक्लियोटाइड्स होते है, होते हैं हैं नाइट्रोजन लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वहां पे तो अमाइनो एसिड्स होता है यानी न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड के बीच में कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा और देखो दो डिफरेंट तरह की चीजें हैं न्यूक्लियोटाइड अलग चीज होती है अमाइनो एसिड अलग चीज होती है तो दो डिफरेंट चीजों के बीच में जब मुझे कम्युनिकेशन कराना है तो मैं किसके फॉर्म में कराऊंगा कोड्स के फॉर्म में कराऊंगा यानी मुझे क्या लेके आना पड़ेगा जेनेटिक कोड लाके लाना पड़ेगा राजीव बिल्कुल हट रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेना ले आप ऐसे तो आपको पीडीएफ से मिल जाएंगे आप इकॉइंट लर्निंग ऐप पे जाके पीडीएफ ले सकते हो ठीक है तो देखो कितना सही आपके बॉडी में क्या हो रहा है और इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए ठीक है तो कितना शानदार प्रोसेस आपकी बॉडी में होता है मतलब कि अगर मैं इस चैप्टर को पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मेरी बॉडी में तो गुजबंप आ गए थे कि यार सच में हमारी बॉडी में मतलब ऐसा कुछ हो रहा है बताओ आपकी बॉडी के अंदर कोडिंग चल रहा है आप इधर उधर पढ़ते चलते हो कोडिंग की आप कंप्यूटर के कोडिंग लैंग्वेज को पढ़ते रहते हो

आप तो कोडिंग कोडिंग करते हो जैसे वो यही कहते हैं ना कि यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हमारा है हमें कोडिंग समझ में आता है आप उनसे पूछना इतनी कोडिंग आती है जेनेटिक की कोडिंग आती है क्या वो बिल्कुल कहेंगे नहीं हमें नहीं नहीं आती है जबकि उनके बॉडी में ये कोडिंग चल रही है तो दैट इज द प्रिवलेज ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी तो बायो बायो पढ़ने का जो मजा है ना वो यही है कि हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जो सारे लोग सोचते तक नहीं है दैट इज द इम्पोर्टेंस मुझे इसलिए बायो बहुत पसंद आता है क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है ठीक है तो इस बात को सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है यस नरेंद्र मोदी बिल्कुल बढ़िया है आप भी बढ़िया है चलिए तो लेट जो ज्वाइन करते हैं क्लासेस को वो लेट वाला जो अपना टेंडेंसी है ना वो बिल्कुल बंद करें यस मीना गुड इवनिंग तो लेट वाले काम बंद कर देंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ, बिल्कुल भूमिका कोडिंग का एनसीईआरटी में जो बॉक्स दिया है वो न, याद नहीं करना है आपका एक टेंशन खत्म कर देता हूं कि वो जो आपको कोडिंग का एक बॉक्स दिया मैं स्क्रीन पे लाऊंगा उस बॉक्स को उसको आपको याद नहीं करना है उसमें क्या याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा आप उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे हां मयंक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कहीं से भी पूछ सकते हो लेकिन जब सिक्वेंस जहां पे आएगा जहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कहूंगा वहां पे आप ये काम कर लेना ठीक है और इसके लिए आप चीजें हम करेंगे तो आप सबको ये बात समझ

आपकी बॉडी में किस तरह से जेंटी कोड काम करते हैं बहुत मजा आने वाला है यस तो जल्दी से ए, हाँ बिल्कुल आपको रिलैक्स फील होगा क्योंकि सच बात है वो वो बॉक्स याद करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है लेकिन वो बॉक्स याद नहीं करना है ठीक है उसमें क्या याद करना है, वो मैं आपको बता दूंगा तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है ठीक है आ, तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है उनको मैंने लेने दे दिया ऐसे तो आपको उन सबको भी पता है कि लर्निंग ऐप के पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे फ्री सब्स में वहां से वो आराम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं अब मुझे जल्दी से बताओ जेनेटी कोड समझना है या नहीं समझना है अगर समझना है तो जल्दी से मुझे यस या थम्सअप के साइन दिखने चाहिए जल्दी से मुझे बता दो आप सभी कि आपको समझना है कि नहीं समझना है और आप लोग ना काफी कंजूसी करते हो एक तो सेशन को जल्दी जल्दी लाइक नहीं करते हो और दूसरी जो कंजूसी आपसे होती है वो होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो आप सभी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूरी है होमवर्क तो आपने लास्ट बार नहीं किया चलो भूल गए थे पर अब से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जिंदा रहना आप सभी को ठीक है चलिए बहुत बढ़िया सारे बच्चे बोल रहे हैं भूमिका ये टॉपिक टफ लगता है लगता है या लगता था ये बताओ भूमिका क्योंकि अब जब इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं मैं इसलिए तो काफी डिटेल में चल रहा हूँ मैं चाहता तो इस टॉपिक को पांच से छह लेक्चर में भी खत्म कर सकता था पर मैं बहुत डिटेल में इसलिए चल रहा क्योंकि मुझे पता है कि इस चैप्टर में कितनी प्रॉब्लम आती है तो एक बार आपको बिल्कुल कंक्रीट कर दूंगा एक एक लाइन आपको एनसीआरटी की क्लियर करा दूंगा दैट इज द मोटिव ठीक है तो ये आप सबको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सबको समझ में आ गया क्लियर है तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे तो जेनेटिक कोड ये सारे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं बिल्कुल रेडी हैं एंड दे आर सेइंग यस सर जेनेटिक कोड अब हमें समझना है जेनेटिक कोड देखो क्या है सबसे पहले समझना जेनेटिक कोड को दिया था जॉर्ज गैम्बो ने और इसके बारे में समझो क्यों जेनेटिक कोड की बात हम कर रहे हैं मैं फिर से कर रहा हूं आपको सेंट्रल डोगमा की बात कर रहा हूं देखो डीएनए की रेप्लीकेशन करा रहे थे आप याद आ गया आपको इसमें तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड वाला कंडीशन था मतलब न्यूक्लियोटाइड की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वगैरह वगैरह ही होना था डीएनए से जब मैं मैसेंजर आर भी बना रहा था तो भी आपको याद है ना कि नाइट्रोजन बेसिस एडीनिन गोएमिन साइटोसिन के थमीन की जगह पे यूरासिल नाइट्रोजन बेसिस की ही बात हो रही थी कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब क्या करना है मैसेंजर आर से मुझे बनाना है प्रोटीन और प्रोटीन किसका बना हुआ होता है अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है यानी यहाँ पे तो न्यूक्लियोटाइड्स है और न्यूक्लियोटाइड से क्या बनाना है अमाइनो एसिड्स यानी दो डिफरेंट चीजें आ गई जब दो डिफरेंट चीजें करना है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे जेनेटिक जेनेटिक कोड्स कोड्स की ठीक है किसने दिया था जॉर्ज गैम्बो ने दिया था जो कि एक फिजिक्स थे यानी कि फिजिक्स वाले थे ये बायो वाले नहीं थे ये कौन थे फिजिक्स वाले थे तो जॉर्ज गैम्बो ने आपको दिया था जेनेटिक कोड पूछा जा सकता है इसलिए साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे यहां पर ध्यान रखना और ये भी याद रखना कि ये एक फिजिक्स थे तो नीट में एग्जामिनर को मजा यही आता है कि आपसे गलतियां कराए तो वो आपको फिजिक्स लिख करके देगा आपको लगेगा यार बायो में फिजिक्स वाला क्यों आएगा तो आप उसे गलत स्टेटमेंट मान लोगे पर वो करेक्ट स्टेटमेंट है याद रखेंगे और ये काम फिजिक्स वाले ही करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स थी ना तो मैथमेटिक्स आपको बताता हूं थोड़ी देर में हु दैट सिंस देयर आर ओनली फोर बेसिस कितने बेसिस हैं आपके पास एक एडेनिन होता है एक ग्वेनिन होता है एक थामीन होता है और एक साइटोसिन होता है

आपके पास बेस कितना था चार और आपको अमाइनो एसिड्स कितने बनाना है बीस तो अगर मुझे चार से बीस बनाना है तो कहीं ना कहीं मुझे नाइट्रोजन बेसिस को क्या करना होगा रिपीटेड वे में यूज करना होगा है ना उसको हम यूज करेंगे तो इस बात को हम देखने देखना चाहते हैं चलिए एक सेकेंड रुक जाओ मयंक फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन रे रे कल जो आपका मैंने सेशन लिया था उसके अंदर एक एमसीक्यू थी मयंक वहां पर आपको वो मिल जाता आपका आंसर इसका है ना कि फर्स्ट प्रूफ जो था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लीकेशन का वो किसने दिया था तो सभी बच्चों को याद होगा कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लीकेशन यानी कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लीकेशन जहां पे आपको बताया था कि किस तरह से नाइट्रोजन 14 और 15 का यूज होता है मैं सलसन स्थाल एक्सपेरिमेंट जो बताया था तो वहां से आप इस बात को समझ सकते थे है ना तो ये क्वेश्चन तो करा रखे हैं तो आप सेशन में आते हो तो ऐसे एमसीक्यूज में लेके आता हूं तो अभी इन डाउट्स को मत पोस्ट करो क्योंकि हो क्या रहा है हम जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं आप डाउट पूछोगे डीएनए तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आप दोनों में कंफ्यूज होते रहोगे फिर ना जेनेटिक कोड समझ में आएगी ना डीएनए रिकेशन तो अभी अगर जेनेटिक कोड चल रहा है तो आराम से डीएनए इस पे ये ध्यान रखेंगे ठीक है थीके? तो चलिए करते हैं इस पे बात तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि चार बेस है बेस कितना है हमारे पास चार और हमें क्या करना है 20 अमाइनो एसिड्स बनाने हैं तो मामला खराब है आपको ऐसा है कि चार आपके पास चीजें दे रखी हैं और उससे आपको बनाना है 20 अमाइनो एसिड्स तो कहीं ना कहीं हमें रिपीटेड वे में इनका यूज करना होगा तो जॉर्ज गैम्बो ने सोचा कि शायद ऐसा होगा कि हम हमें इसको यूज करना होगा रिपीटेड वे में लेकिन उन्होंने पहले सोचा कि चलो ठीक है सिंगल सिंगल नाइट्रोजन बेसिस लेके करते हैं शायद ये 20 एसिड्स बीसोसिड्स बनाना है तो सिंगल सिंगल करते हैं तो परम्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन एक मैथमेटिक्स uh, होता है तो उसको उन्होंने लगाया उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास चार बेसिस है और इनका मैं एक एक करके अगर यूज करूंगा तो फोर टू दावर वन फोर ही तो आता है ना उन्होंने कहा कि चलो ठीक है इससे तो नहीं हो पा रहा है बीस है और मेरे पास सिर्फ चार के लिए ही आ पा रहा है तो उन्होंने कहा कि चलो दो का लेके करते हैं यानी कि हम ये समझ के चलते हैं कि ए जी ऐसा करके कोडिंग बनता होगा कोडिंग में ऐसे यूज कर रहे होंगे तो उन्होंने कहा अगर हम ऐसे यूज करते हैं तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे फोर टू दी पावर टू दैट इज सिक्सटीन अभी भी मेरे पास बीस अमाइनो एसिड्स हैं पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है सिक्सटीन की बन रही है तो उन्होंने कहा नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने कहा कि शायद ऐसा होगा कि तीन के फॉर्म में यूज होते होंगे तो उन्होंने कहा कि तीन के फॉर्म में यूज होते होंगे तो फोर डी पावर थ्री और ये आ गया सिक्सटी फोर तो कि यानी कि ये आ आ गया से आ गया यानी से ज्यादा इसका मतलब है कि जेनेटिक ट्रिपलेट्स के फॉर्म में यूज हुए होंगे क्यों ऐसा कहा क्योंकि अगर डबलेट के फॉर्म में यूज होते डबल्स के फॉर्म में यूज होते तो सिर्फ सिक्सटीन अमाइनो एसिड से कोड हो पाते बाकी चार अमाइनो एसिड वेस्ट हो जाते तो उन्होंने कहा कि वेस्ट होने से बेटर है ना कि ज्यादा यूज कर लो सिक्सटी तो फोर आ जाने का मतलब है कि 20 तो हो जाएगा और बाकी एक्स्ट्रा में रहेंगे तो इसका मतलब है कि कही कहीं ना कहीं जेनेटिक कोड जो थे इस बात से प्रूफ हो गई थी कि वो ट्रिपलेट फॉर्म में होता है जेनेटिक कोड किस फॉर्म में होता है ट्रिपलेट फॉर्म में होता है जो हम आगे अभी थोड़ी देर में देख लेंगे तो आप याद रखोगे कि गैमवो ने क्या प्रूफ कर दिया था कि परम्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन मेथड से कि उन्होंने कह दिया कि जो ट्रिपलेट होता है जेनेटिक कोड जो हमारी बॉडी में आती है वो कितने फॉर्म में होते ट्रिपलेट के फॉर्म में होते ट्रिपलेट कोडिंग होती है ठीक है तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है देखो अमन सिक्सटी फोर कैसे आ गया आप यहां पे क्या कर रहे हो कॉम्बिनेशन बना रहे हो आ, उन्होंने कहा अगर सिंगलेट कोडॉन्स को यू, यूज करें सिर्फ ए यूज करें सिर्फ जी यूज करें टी यूज करें सी यूज करें तो नाइट्रोजन बेस हमारे पास चार है अगर मैं किसी एक का ही यूज करके कोडिंग करूंगा तो मुझे फोर टू दी पावर वन सिर्फ चार अमाइनो एसिड्स के लिए सीक्वेंस मिलेगा उन्होंने कहा कि चलो एक इस पे तो काम नहीं हो रहा क्योंकि बीस अमाइनो एसिड से चार पे काम नहीं हो पाएगा तो उन्होंने कहा चलो दो दो का यूज करते हैं जब दो का यूज किया तो पावर टू लगा दिया फोर तो बेस है ना तो टू लगा दिया तो सिक्सटीन के लिए कोड कर रहा था अगेन बीस से कम है तो अब क्या है कि उन्होंने कहा तीन करते हैं तीन करने पे उन्हें मिला सिक्सटी यानी बीस से ज्यादा यानी कि एटलीस्ट वो बीस को तो कर देगा ना बाकी एक्स्ट्रा हो रहा है उससे कोई इश्यूज नहीं है ये बात सबको समझ में आ गया आप सभी को तो ये पॉइंट हमें समझना था कि जो ट्रिपलेट होते हैं यानी कि जो आपका जेनेटिक कोड्स होता है वो किस फॉर्म में मौजूद होता है वो मौजूद होता है ट्रिपलेट्स के फॉर्म में तो ये ट्रिपलेट्स आपके यहाँ पे दे रखे हैं बिकॉज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ फोर टू दी पावर थ्री वुड जनरेट सिक्सटी फोर कोडॉन्स जनरेटिंग मेनी मोर कोडॉन्स देन रिक्वायर्ड यानी कि जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कोडॉन्स वहां पर हमें मिल जाएंगे ठीक है तो इसलिए आपको याद रखना है कि जेनेटिक कोड्स जो होते हैं जेनेटिक कोड्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं कोडॉन इज ट्रिपलेट ठीक है कोडॉन क्या होता है ट्रिपलेट होता है तो अब आपके पास पता चल गया कितने कोडॉन है? अवेलेबल हैं जेनेटिक कोड्स है ठीक सिक्सटी फोर कोडॉन्स हमारे पास हैं और ये 64 फोर कोडॉन्स कितने अमाइनो एसिड्स को कर रहे होंगे 20 अमाइनो एसिड्स को वहां पर कोड कर रहे हैं कोडिंग कर रहे हैं उसके लिए तो ये आपको याद रखना है अमन 64 की क्या नीड है तो आप एक बात बताओ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में वन करेंगे फिर टू करेंगे फिर थ्री करेंगे ना तो जरूरत से ज्यादा होने से कोई इश्यूज नहीं है पर जरूरत से कम जैसे आपको नीड का एग्जाम देना है अमन तो मान लो कि आपका सिलेबस है ठीक है जिसके अंदर चालीस चैप्टर है अब आप कहोगे की सर मैं ना बीस चैप्टर पढ़ के जाऊंगा और बीस चैप्टर पढ़ूंगा तो आप सोचोगे नीट निकाल लेंगे तो क्या इंपॉसिबल है, है नहीं है लेकिन अगर 40 चैप्टर है और आपने क्या किया फोर्टी कि 42 चैप्टर पढ़ लिया है ठीक है चालीस चैप्टर है आपने दो और एक्स्ट्रा चैप्टर मतलब कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चैप्टर जिससे कि चालीस चैप्टर समझने में आसान हो जाए तो आपने दो और एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ लिया तो ज्यादा चैप्टर अगर पढ़ के आप गए थे तो क्या चालीस चैप्टर भी तो आपके लिए याद है ना वहां पर तो आपके लिए वहां पर ज्यादा पढ़ लेना हानिकारक नहीं हुआ लेकिन अगर कम पढ़ के हम जाते तो ये तो कन्फर्म था कि आपका नीट नहीं होने वाला है तो ये बात आप सबको ध्यान रखना है कि जेनेटिक कोड में हमने क्या किया कि हमारे पास सिक्सटी हो गए ठीक है तो ये आपको 64 में से यानी कि 20 जो आपके थे यानी कि जो 20 वाली कंडीशन थी 20 के लिए हमारे पास सभी हो गए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 20 कोड के लिए 64 ट्रिपलेट बनाना पड़े बिल्कुल, बिल्कुल 64 ट्रिप्लेट 64 से मैंने लिख तो दिया यहां पर कि टोटल अब आपके पास कितने है? 64 से हैं। और जो जेनेटिक कोड्स है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है जैसे ए यू जी ये क्या हो गया जेनेटिक कोड हो गया कितने यूज किए गए तीन इसलिए इसको कह रहे है, और ये कितने को करेंगे? 20 हैं, हैं ठीक है और जो तीन कोडॉन्स होते हैं ये स्टॉप कोडॉन्स की तरह फंक्शन करते हैं अब ये स्टॉप कोडॉन्स क्या होता है वो समझ लो जब आप ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसलेशन कराने जाओगे तो ये कोड्स वहां पे रहेंगे अब जहां पर स्टॉप कोडॉन्स दिख जाएगा वहीं पर ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाएगा अगर आपको यह बातें थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही है तो ट्रांसलेशन कंप्लीट होने का वेट करो अपने दिमाग को बोलो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ट्रांसलेशन के दौरान मैं कोडॉन्स के साथ सारा गेम आपको समझा दूंगा कि आपकी बॉडी पे जब कोडॉन्स आता है यानी ट्रांसलेशन जब कराने आता है तो फिर कैसे वो स्टॉप करा देगा प्रोसेस को तो फिलहाल बस इतनी सी बात छोटी सी बात है याद जरूर रखना जो मैं बात आपको समझा रहा हूं सिक्सटी फोर कोडो ट्वेंटी अमाइनोसिट्स कोड करेंगे पहली बात इस 64 में से 61 जो है वो अमाइनोसिट्स कोड करता है बाकी जो तीन है वो स्टॉप कोडॉन्स की तरह बिहेव करेंगे कौन से वो तीन स्टॉप कोडॉन्स होते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो याद रखना उसको ये है आपके तीन कहा आपके हैं तीन यू ए और यू जी ए तो ये आपको तीन स्टॉप कोडॉन्स है ये आपको याद रखना पड़ेगा बॉक्स तो आपको याद नहीं करना है लेकिन जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं वो याद कर लेना तो इसको याद कर लेना कि ये तीन आपके स्टॉप कोडॉन्स है यू ए यानी कि अगर मान लो आपको कोई यहां पर मैं स्टैंड दे देता हूं ठीक है और इस स्टैंड में मैंने कहा कि यहां पर लगा हुआ है ए यू जी और यहां पर लगा हुआ है यू यूयू सॉरी यू ए ए है ना ये लगा हुआ है अब अगर मैं आपको कहूँ कहां से स्टार्ट हुआ कहां पे एंड हुआ तो आप जैसे देखोगे एयू जी तो आप कहोगे सर यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ क्योंकि ये स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं एयू क्या होते हैं स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं यानी यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा और जैसे आपको यू ए ए दिखेगा आप कहोगे सर यहां पे आकर के ना ट्रांसलेशन रुक जाएगा स्टॉप हो जाएगा यानी आपको पहचानना आना चाहिए कहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा ये कैसे पहचानेंगे जेनेटिक कोड से पहचानेंगे तो सारे जेनेटिक कोड्स हम याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं याद रखने के लिए वो जरूर याद रखना है ये बात सबको क्लियर करना है ठीक है ये याद रखना आप सभी तो ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया ठीक है तो देखो मैं ये कह रहा कि ए, 61 है इसमें से क्या होगा वो कौन से तीन है, वो मैंने आपको देर पहले बता दिया अब क्या होता है कि, खुद ये सोच के देखो आपके पास ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स है ठीक है और इनको कोड करने के लिए आपके पास सिक्सटी वन कोडॉन्स है क्यों मैं सिक्सटी वन कह रहा हूं क्योंकि तीन तो मैंने हटा दिया मैंने कहा कि वो इस तीन स्टॉप कोडॉन्स है उसको हटा दिया मैंने

कि अगर आपके पास 20 अमाइनो एसिड्स है और इसको आप 61 वन कोड से कोडो कोडिंग कर रहे हो इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड जो है यहां पर उसको क्या करना पड़ेगा कि एक अमाइनो एसिड को हो सकता है कि एक से ज्यादा कोड्स कोडॉन कोडिंग करेंगे एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोड वहां पे कोडिंग करेंगे ये पॉइंट अभी आप ध्यान रखना मैं आगे सब क्लियर कर दूंगा कोई इश्यूज नहीं आएगी तो यहां पे याद रखना कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोड कोडिंग कर सकता है ठीक है लेकिन उल्टा इसका नहीं हो पाता है उल्टा का मतलब कि एक पर्टिकुलर जो कोड है वो वहां पर किसी एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा यानी कि अगर आपके पास कोई कोड मौजूद है तो वो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को क्लियर करेगा अगर ये दोनों बातें आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो हम आगे उसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे लेकिन दिमाग में बस फीड कर लेना जो मैं बात बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं बस आज ही क्लियर करेंगे उससे ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना पहला क्या याद रखना है कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोड्स कोड कर सकते हैं लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं उल्टा क्या नहीं पॉसिबल है कि एक कोड जो है वो एक से ज्यादा अमाइनो एसिड्स के लिए नहीं होता है तो दोनों में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना इसको मैं क्लियर कराऊंगा जब मैं आपसे एक क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर आपको यह बात क्लियर हो जाएगी ठीक है यस yes, कर रहे हैं बात इसके ऊपर तो ये बात हम लोग करने वाले यस दीक्षा करेक्ट एयू जी इज ए इनिशियेटिव ओडाउन वो स्टार्ट करेगा इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे दिया था एयू जी के बारे में तो आपको वो याद रखना है तो अभी आप आराम से चीजों को सुनते जाओ सिर्फ सुनो क्योंकि मैं बहुत कुछ आपका क्लियर करने वाला हूं ठीक है तो देखो जैसे हमने अभी एक पॉइंट कहा कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं इसका मीनिंग क्या है जैसे मान लो ल्यूसिन ये एक अमाइनो एसिड है ल्यूसिन यहाँ पे क्या है एक अमाइनो एसिड है देखो इस ल्यूसिन को कोड करने वाले कौन कौन से कोड है एक सी यू सी यू यू भी कर सकता है सी यू सी भी कर सकता है सी यू ए भी कर सकता है सी यू जी भी कर सकता है यू यू ए भी कर सकता है और यू यू जी भी कर सकता है तो एक ल्यूसीन को एक दो तीन चार पांच छ छह कोडॉन्स कोड कर सकते हैं तो हमने यही तो कहा ना हमने क्या कहा कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोड कोडॉन कर सकते हैं ल्यूसिन को कितना कर रहा है छे कर रहा है सेराइन को क्या कर रहा है छे कर रहा है आर्गनिन को क्या कर रहा है छे कर रहा है यानी कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं ये बात याद रख लेना है आप सभी को अब यहां पर बहुत मजेदार चीज देखना एक एसिड को एक से ज्यादा जब कोड कर रहे हैं तो एक बहुत ही मजेदार चीज होती है क्या होती है कि आप देखो ना वो डिफर कर गया yes no? ये पर भी क्या हुआ सी सेम है यू सेम है पर ये थर्ड पोजीशन डिफर कर गया फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन सेम है थर्ड पोजीशन डिफर कर गया फर्स्ट पोजीशन यहां पर तो ये दोनों अलग है तो इन दोनों में देखो फर्स्ट पोजिशन फर्स्ट पोजिशन सेकंड पोजिशन सेकंड पोजिशन जो थर्ड पोजिशन है वो अलग हो गया नो yes no? देख लो ये पॉइंट ठीक है इसमें भी देखो अगर मैं ये कह रहा हूं यू सी यू यू यूसी तो यू फर्स्ट पोजिशन सेम सेकंड सेकंड सेम 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 फर्स्ट थर्ड सेन बदल रहा है यानी आप क्या देखते हो कि जब एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड करते हैं तो उसका जो थर्ड पोजिशन है ना उस पर जो नाइट्रोजन बेस है वो बदल जाता है वो क्या हो जाता है वो बदल जाता है ठीक है तो ये पॉइंट आप सबको क्लियर रखना है। नहीं याद नहीं करना है सुष्मिता इसको याद नहीं करना है बस इसका जो लाइन है ना वो याद रखना है मतलब मैंने जो एक लाइन कहा कि कुछ अमाइनो एसिड्स को एक से ज्यादा कोड्स कोड कोडिंग करते हैं ये याद रखना है ठीक है अमन अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो स्ट्रेस मत लो क्योंकि जब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां आपको समझ में आ जाएगा तो अभी बिल्कुल शांति से सुनो जो मैं पॉइंट्स कह रहा हूं जो मैं मोटी मोटी लाइंस बोल रहा हूं वो सुनते जाओ मैंने क्या कहा अमाइनो एसिड्स को एक से ज्यादा कोर्स कोडिंग कर सकते हैं इतनी बात तो समझ में सबको आ रही होगी ना तो ये समझ के चलेंगे इसको समझ लेंगे ठीक है इसके बाद क्या होने वाला है वो मैं आपको समझा रहा हूं ठीक है तो ये समझो मैंने क्या कहा कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोड कर सकता है प्रॉब्लम क्या आती है कि जो थर्ड प्लेस है वहां पर चेंज आता है बाकी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन क्लियर होते हैं है ना तो ये बात भी आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है तो थर्ड पोजीशन पे जो चेंज आता है इसी को हम कहते हैं इसी को हम क्या कह रहे हैं बुबली जो थर्ड पोजीशन पे चेंज आता है ट्रिपलेट कोडॉन्स में इसी को हम कहते हैं बुबली वेज तो आपसे पूछा जाए कि बुबली वेस क्या होता है तो आप कहोगे कि जब एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोड कोडॉन्स कोड करते हैं तो जो थर्ड पोजीशन पे मौजूद होता है कोड वो बस चेंज होता है इसी को हम कहते हैं बुबली बेसिंग क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्लियर हो गया सभी को ठीक है ये बात सबको समझ में आ जाना चाहिए तो आपस में जल्द ये बातों को छोड़ो और ये बात क्लियरली समझने की कोशिश करो क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये बहुत ईजिली होना चाहिए आप सभी से ठीक है चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल ताइबा एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं बिल्कुल करेक्ट ये सही है आपका स्टेटमेंट तो ये जल्दी से स्क्रीन ले लो तो मूव करते हैं तो ये कुछ फीचर्स मैं बता रहा हूँ जेनेटिक कोड के जेनेटिक कोड का पहला फीचर मैंने क्या बताया कि जेनेटिक कोड के लिए 64 64 जेनेटिक कोड कोड हमारे पास कितने हैं हैं कोडॉन्स कोडॉन्स है। इसमें से जो 61 होता है वो एसिड को करता है बाकी तीन जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं एक और बात बताया कि जो कोडॉन्स होते हैं वो ट्रिपलेट फैशन में होते हैं जैसे अभी हमने देखे थे सारे कोडॉन्स को जैसे एयू जी मैं लिखूं तो ये भी क्या है ट्रिपलेट फैशन में U -A -A लिखूं, तो भी ये क्या है ट्रिपलेट फैशन में ट्रिपलेट फैशन मतलब तीन नाइट्रोजन बेसिस का यूज कर रहा है ये भी तीन नाइट्रोजन बेसिस का यूज कर रहे हैं तो जब तीन तीन नाइट्रोजन बेसिस का यूज करते तो हैं कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जिनमें एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोर्स कोडिंग कर सकते हैं तो तीन फीचर आपको मैंने समझा दिया है अब चौथा फीचर भी समझ लो कि कोडॉन जो होते हैं ना मैसेजर आने में वो कंटिन्यूअस फैशन में पढ़े जाते हैं यानी उनके बीच में ना कॉमा लगा हुआ होता है ना फुल स्टॉप लगा हुआ होता है ना एक्सक्ला मार्क लगा हुआ किसी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क हम नहीं लगाते हैं तो ये भी लाइन याद रखना है कि मैसेंजर आर एने पर जो कोडॉन्स रहते हैं वो कंटिन्यूस फैशन में रहते हैं कंटिन्यूस मैनर में रहते हैं ठीक है तो बस ये पॉइंट भी आप सबको क्लियरली समझ लेना है इसमें भी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट देखो ये भी पॉइंट आप सभी को समझ में आएगा कि जो मैसेजर आइडे पे कोडॉन्स होते हैं वो कैसे फैशन में होते हैं कंटिन्यूअस फैशन में होते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि कोड इज नियरली यूनिवर्सल यानी कि अगर आप कोई कोड बैक्टीरिया में यूज कर रहे हो तो वही कोड प्लांट में भी यूज होगा सेम अमाइनो एसिड के लिए और वही कोड एनिमल्स में भी यानी ह्यूमंस में भी यूज होगा फॉर द सेम अमाइनो एसिड्स इसके कुछ एक्सेप्शन मिले हैं हमें लेकिन यूनिवर्स आपको याद रखना जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है यूनिवर्सल कहने का क्या मतलब होता है कि यूनिवर्सल का मतलब हुआ कि अगर कोई कोड है ठीक है तो अगर वो अमाइनो एसिड का कोडिंग कर रहा है सेम अमाइनो एसिड का कोडिंग जो बैक्टीरिया में करेगा वही प्लांट में भी करेगा और वही एनिमल में करेगा यानी कि सारे जगहों पे सेम कोड अमाइनो एसिड्स के लिए कोडिंग करेगा तो ये भी बात आप सबको क्लियर रखना है ठीक है ये पॉइंट भी आप सबको ध्यान रखना है जैसे द कोड इज फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन सबके अंदर ये जो ट्रिपल यू है ये कोड करता है फिनाइल एलेनिन का तो ये वाला कोड भी आपको याद रखना है ठीक है तो अब देखो मैं कोड्स आपको बता रहा हूं कौन कौन सा कोड याद रखना तो याद रखना ट्रिपल यू किसके लिए कोड करता है फिनाइल एलेनिन के लिए करता है ट्रिपल यू किसके लिए कोड करता है फिनाइल एलेनिन के, के लिए करता है पी एच ई अमीनो एसिड के लिए करता है ये याद रखेंगे ये मत भूलना ठीक है तो ये सबको याद कर लेना है यानी मैं अब आपको बता ये रहा हूं कि कौन कौन से कोड आपको याद करने हैं आपने कहा ना वो बॉक्स सर याद करना है मैंने कहा नहीं उस बॉक्स को मत याद करना लेकिन आप उस बॉक्स के अलावा क्या याद कर सकते हैं तो वो मैं बता रहा हूं कि क्या क्या याद करना है तो ये याद कर लेना ट्रिपल यू किसके लिए कोड करेगा फिनाल के लिए करेगा। दूसरी बात ये जो यूनिवर्सल वाला रूल है इसके लिए कुछ एक्सेप्शन मिले थे हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड इन सम समोटोजोव तो आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे सकता है कि जो भी जेनेटिक कोड के फीचर्स है उनमें से एक्सेप्शन किस किस फीचर्स में है तो ये वाला जो एक फीचर है जिसमें यूनिवर्सल की हम बात करते हैं यूनिवर्सल कहने का मतलब जैसा बैक्टीरिया में वैसा ही ह्यूमंस में इसके कुछ एक्सेप्शन हमें मिले थे जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया यस डोनाल्ड ट्रंप एमसीक्यू कराएंगे एमसीक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज एक और काम कराएंगे जो एनसीआरटी के अंदर भी और आप देखना आप करोगे उसको बहुत मजेदार तरीके से तो अभी थोड़ा वेट किया करो ठीक है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है तो देखो मैंने कौन कौन से फीचर्स आपको जेनेटिक कोड के याद करा दिए पहला क्या बताया था जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है दूसरा क्या बताया कि टोटल जो 64 फोर होता है उसमें से 61 वन कोडॉन्स एसिड के लिए कोड करते हैं बाकी तीन स्टॉप कोडॉन्स होते हैं तीस, ये फिर क्या बात बताई तीसरी क्या बात बताई थी कि कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनको एक से ज्यादा कोड कोडॉन्स कोड करते हैं ठीक है फिर क्या आपको बात बताई आपको फिर बात बताया कि जो कोडॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूअस फैशन में रीड किए जाते हैं इनके बीच में ना कॉमा होता है ना कोई पंक्चुएशन मार्क होता है ना फुल स्टॉप होता है और फिर एक और बात आपको अभी बता दिया कि यूनिवर्सल होते हैं कोड्स यानी कि जैसा बैक्टीरिया में यूज होगा वैसा ही ह्यूमन्स तक यूज किया जा सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब देखो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है कि जो एयू जी है बहुत देर पहले मैंने बताया था आपको एयू जी तो ये भी कोड आप याद रखना जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने ट्रिपल यू को यू याद रखा था कि ट्रिपल यू फिनाइल के लिए यूज किया जाता है उसी तरह से अब याद रखना एयू जी का डुअल फंक्शन होता है एक तो ये मेथियोनाइन के लिए कोड करता है किसके लिए कोड करेगा मेथियोनाइन के लिए कोड करेगा? करेगा और साथ के साथ ये इनिशिएटर कोडॉन है इनिशिएटर कोडॉन कहने का मतलब ट्रांसलेशन में जैसे ही एयू जी दिखेगा वहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा और स्टॉप कहां हो जाएगा जहां पे उसे स्टॉप कोडॉन्स दिखेंगे वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा और स्टॉप कोडॉन्स कौन है यू ए एजी यू जी ए ये बात सबको समझ में आ रहा है तो ये भी आप याद रखोगे तो इतने सारे कोडॉन्स बस आपको याद रखने हैं तो ट्रिपल यू फिनाल फिनालिन मेथियोनाइन और इसको इनिशिएटर कोडॉन भी कहते हैं यू ए ए ये स्टॉप कोडॉन्स है इतना आपको याद रखना है क्या इतना हम याद कर सकते हैं यस और नो क्या इतना हमसे याद हो जाएगा हा या ना जल्दी बता दो आप सभी इतना तो कर सकते हैं ना इसमें तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप सबको याद कर लेना है ठीक है तो इतना आप याद कर सकते हो इतने कोडॉन्स को आप याद करोगे अब देखो नॉन एम्बिगुअस नेचर क्या होता है कुछ अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डी यानी वो जो पॉइंट मैंने समझाया था जहां पे कुछ अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डीजेनरेसी ठीक है याद रखना डी का मतलब क्या हुआ कि कुछ अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं लेकिन नॉन एम्बिगुस का क्या मतलब होता है नॉन एम्बिगुस का मतलब होता होता है कि होता है कि वन कोडॉन जो अगर कोई एक पर्टिकुलर कोडॉन है तो वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा उसके अलावा वो किसी और को नहीं करेगा इसको समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं उस क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप सब बस रेडी हो जाओ लेकिन उससे पहले अब एक बात समझ लो जैसे मान लो मुझे ये मेरे पास ये एमआरएन ए है ठीक है इस एमआर पे यहां पर लिखा हुआ है यू 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 फिर यहां पर लिखा हुआ है यू ए सी ठीक है इसके अलावा जो यहां पर है ए यू जी लिखा हुआ है फिर यहां पर लिखा हुआ है ए यू सी यहाँ पर लिखा हुआ है ए अच्छा यू आ, यू यहां पर लिखा हुआ है ए यू ए यू हटा देता हूं अब अब कुछ और बदल देते हैं मान लो आप लिखा हुआ है सी ए यू ठीक है और यहां पे लिखा हुआ है यू ए ए ठीक है अब आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ ये मेरा फर्स्ट पोजीशन हो गया ये सेकंड पोजीशन हो गया ये थर्ड हो गया ये फोर्थ हो गया ये फिफ्थ हो गया ये सिक्स हो गया और ये सेवेंथ हो गया मुझे बताओ कि ये एम आर एन ए कहां से शुरू करेगा ट्रांसलेशन कराना और कहां पे एंड करेगा पोजीशन से बताना कि फर्स्ट सेवन तक जाएगा कि सेकंड से सेवन तक जाएगा थर्ड से सेवन तक जाएगा कहां तक जाएगा ये आप बताएंगे मुझे ठीक है आपको मैंने एक एम पे जो कोर्स हो सकते हैं वो मैंने दे दिया अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ कि कौन कहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा ठीक है जल्दी से बताएंगे ओके सुष्मिता सिंह और यू ए पे स्टॉप हो जाएगा ट्रिपल यू से स्टार्ट होगा हो हो यानी वो कह रही है फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा और सेवन पे खत्म होगा सौरभ यादव इज संग सर थर्ड पोजीशन से स्टार्ट होगा और सेवन पे खत्म होगा ओके भूमिका इज सही सर फर्स्ट से स्टार्ट होगा और सिक्स पे खत्म होगा चलिए ओके ओके सिंह हाँ, से स्टार्ट होगा सेवन पे होगा थ्री से सेवन वेरी गुड वेरी गुड थ्री से सेवन बिल्कुल याद आ गया आप सभी को सर एयू जी इनिशिएटर होता है तो यहां थर्ड से स्टार्ट होगा और UA, देखते ही उसको याद आ गया स्टॉप तो ये यहां पर स्टॉप हो गया ये यहां पर स्टॉप हो गया तो ये हो गया ट्रांसलेशन क्या ये बात सबको समझ में आ गया तो मैंने जो शुरुआत में आपको बात बताई थी वो अब आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए क्या ये बात सबको समझ में आ गया थ्री से स्टार्ट होकर के सेवन पे क्यों खत्म होगा क्लियर है ठीक है कोई बात नहीं गलती हो गई थी तो आ, अब वो करेक्ट हो गया होगा क्योंकि सारे बच्चे का थ्री से सेवन अब आने लगा इसका मतलब आपको पॉइंट समझ में आ गया कि स्टार्ट कोडाउन और स्टॉप कोडाउन का मतलब क्या होता है क्लियर हो रहा है सबको समझ में आ रहा है यस yes. चलिए यहां तक बात अगर समझ में आ गई है तो बाकी जो पॉइंट्स आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा था वो अब देखो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा तो आर यू ऑलरेडी टू सॉल्व समथिंग इंटरेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई चीज आपको अभी सॉल्व करनी है यस yes. जल्दी से बता दो आप सभी क्या आप तैयार हो कुछ इंटरेस्टिंग चीज सॉल्व करने के लिए तो रेडी हैं तो बता देंगे मुझे हाँ यस चलिए क्रिस्टल क्लियर हो गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से थम्स अप का साइन देके कहेंगे यस yes, रेडी हैं तो यस yes, आज का सेशन क्लियर है बिल्कुल मजा आ गया आज तो ओके थैंक यू फॉर दैट मीना तो बिल्कुल ये चीजें आपको समझ में अगर आ गई ना तो बहुत बढ़िया है क्योंकि ये चीजें समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो अभी आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा Yes, MCQ नहीं है आपके पास ये आ गया बॉक्स जिससे आपको डर लगता है तो ये है वो डर आपका और इस डर को दूर कैसे करना है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इस डर को दूर करने के लिए आपको ये बॉक्स याद नहीं रखना है इस बॉक्स में बस क्या याद रखना है आपको याद रखना है ए जी किसके लिए करता है ट्रिपल यू किसके लिए करता है और तीन स्टॉप कोडॉन्स कौन से हैं वो आपको याद रखना है क्लियर है तो इस बॉक्स को याद करने का जो डर है जो खौफ है वो आप निकाल दो ये बॉक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं है ओके सो नाउ आपको लेकिन अभी जो आपको पर, ये क्वेश्चन करवाऊंगा उसके लिए इस बॉक्स की जरूरत पड़ेगी यानी ये बॉक्स मैं प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन कराना है उसके लिए है ठीक है एनसीआरटी का ही है कहीं बाहर से मैं क्वेश्चन नहीं ला रहा हूं ये या एनसीआरटी के आए हैं

आ, वो उसी का है ठीक है तो जो चेकर बोर्ड है इसी चेकर बोर्ड के अकॉर्डिंग बनेगा तो देखो याद आ गया सर ए यू जी आपने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये ए यू जी किसके लिए होता है मैथ्यू नाइन के लिए होता है यानी एम ई टी हो जाएगा ट्रिपल यू सर अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था कि फिनाइल एलिनिन के लिए होता है तो पी हच, आ, ए ना क्या होता है पी एच ए या पी एच होता है मेरे ख्याल से ठीक है पी ओके UUC सर ये भी तो पीएचई के लिए होता है अब UUC मैंने आपको नहीं बोला था याद करने के लिए तो नहीं बोला था याद करने के लिए तो फिर आपको पता ही है कि क्या करना होता है चेकरबोर्ड देख करके आप इसका आंसर कर सकते हो पर AUG तो मैंने आपको याद करने कहा था ये भी याद करने कहा था तो ये दोनों तो आप याद कर सकते हो देख लो AUG से स्टार्ट हो रहा है ट्रांसलेशन AUG से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये इनिशिएटर भी है याद आ गया सभी को आ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल ताइबा जी यू जी भी स्टार्ट कोडाउन होते हैं लेकिन एयू जी आपकी एनसीआर में दे रखिये तो आप बस उसको याद रखें बाकी आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो ये बात ध्यान रखेंगे ओके यूयूसी भी किसको करेगा पीएचई -E को करेगा ट्रिपल यू भी किसको करता है तो पीएचई -E को करता है फिर ट्रिपल यू यू आ गया पीएचई यूयूसी -E, किसको करेगा पीएचई -E, और ये कब तक करता रहेगा जब तक इसको कोई स्टॉप कोडाउन नहीं मिलेगा तब तक ये करता रहेगा ट्रांसलेशन क्या ये बात सबको समझ में आ गया ठीक है तो ये आपने कर दिया यानी कि के अकॉर्डिंग आपने को अरेंज कर दिया अब ये क्या कह रहा है नाउ ट्राई करना है? कि आपको का सीक्वेंस दिया हुआ है और इस अमाइनो एसिड के अकॉर्डिंग आपको ये अरेंज करना है कि कौन से नाइट्रोजन बेसिस लगेंगे अब आपको सर बहुत सिंपल है मेट पीएच ई पी पी दिख रहा है तो बिल्कुल इसी को कॉपी कर दीजिए लेकिन करके देखते हैं देखो होगा कि नहीं मेट के लिए तो पता है सर एयू जी होता है कोई दिक्कत नहीं है मेट के लिए एयू जी होता है पर पी के लिए अब मैं ये ट्रिपल यू यूज करूं या यूज करूं ये मुझे प्रॉब्लम हो गई यानी यहां पे क्या हो गया कि जब मुझे ये अमाइनो एसिड मिला हुआ है तो मैं कौन सा कोड यूज करूं ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इस अमाइनो एसिड के लिए दो कोड्स हैं या तो यूयूय यूज कर लो या यूयू सी यूज कर लो ठीक है तो हमने यहां पर क्या देखा कि अमाइनो एसिड को जब मुझे कोड कराना है तो वहां पर एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड मिल जाते हैं हमें एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड मिल रहा है इसी को तो डिजेनरेसी कह रहे थे याद आ गया आप सभी को लेकिन कोड के लिए में एक प्रॉब्लम नहीं आई कोड क्योंकि यू 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 जैसे देखा हमने उसके लिए भी पता है कि फिनाल नहीं, नहीं यूज होगा यानी कि एक कोड एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोडिंग करता है पर उल्टा इसका क्या होता है उल्टा अगर मैं करूं तो एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं तो इन दोनों में जो पॉइंट आपको क्लियर करना है वो ये करना है कि जो कोडॉन है वो तो किसी एक अमाइनो एसिड के लिए ही करता है कोडॉन्स हमेशा किसी एक एसिड के लिए करता है जिसको हम कहते हैं नॉन एम्बिगुअस कंडीशन जबकि यहां पर क्या हो रहा है यहां पे क्या हो रहा है कि एक अमाइनो एसिड जो है उसको एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर रहे हैं और इसलिए हमें यहां पर आंसर करने में डिफिकल्टी आएगी इसलिए एनसीईआरटी आपसे पढ़ती है पूछता है डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग द अपोजिट क्या इसके इसको कोड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल आ रही है क्यों आ रही है ड्यू टू डी जेनरेसी की वजह से आ रही है डी का मतलब है कि, कि किसी एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोड ऑन कोड कर सकते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा कोड वहां पे उसको कोड किया होगा क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्लियर हो गया तो ये पॉइंट आपको मैं समझाना चाह रहा था यही मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था तो एनसीईआरटी के अंदर वो जो कंडीशन है वो अब आपको क्लियर हो जाएगी ठीक है तो ये पूछता है कैन यू नाउ कोरिलेट विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड तो एक कौन सी प्रॉपर्टी हो गई क्लियर डीजेनरेसी हमने देख लिया और दूसरा क्या देख लिया नॉन एम्बिगुअस कंडीशन दूसरा क्या देखा नॉन एम्बिगुअस दोनों में क्या डिफरेंस है डिजेनरेसी क्या कहता है कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा मोर देन वन कोडॉन्स मोर देन वन कोडॉन्स कोड कर सकते हैं और नॉन एम्बिगुस का मतलब क्या होता है कि सिंगल कोडॉन सिंगल अमाइनो एसिड को ही कोड करता है ठीक है सिंगल अमाइनो एसिड को ही कोड करता है क्या यह बात सबको समझ में आ गया क्लियर हो गया तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर करना चाहिए सर वो 64 कोडॉन का सीक्वेंस याद करने का विराट बोल चुका हूं कि आपको वो 64 फोर क्राउंस याद ही नहीं करने जो याद करने थे वो मैंने आपको मार्क करा दिया तो बस उतना याद करना है फाल तो फालतू क्यों इधर उधर की चीजें याद करने की ठीक है तो जितना मैंने बोला है बस उतना याद करेंगे तो आई होप आप सबको जेनेटिक कोड समझ में आ गया होगा जेनेटिक कोड के जितने फीचर्स है वो आपको समझ में आ गया और आपको चीजें याद भी हो गई है ठीक है अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो एनसीआरटी को अभी एक बार पढ़ो और वीडियो को दोबारा देख लो और वीडियो को दोबारा देख के फिर एनसीआईडी पढ़ो क्योंकि एक बार अगर ये समझ गए तो ट्रांसलेशन में मजा आएगा ट्रांसलेशन बहुत इजीली बहुत ही आ, आराम से आपको क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो ये आप सबको ध्यान रखना है भूमिका नॉन एम्बीगुअस का, का एग्जाम्पल अभी तो दिया जहां पे हमने देखा कि ट्रिपल यू जो है वो सिर्फ किसके लिए कोड कर रहा है फिनाल एलेनिन के लिए कर रहा है यानी कि एक को, जो कोड है वो एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है तो आप सबको ये बात समझ में आ गया तो जो बच्चे सेशन में नए आए हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दे क्योंकि आपके लिए सेशन प्लान की जाती है तो आपको सेशन को लाइक जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको सेशन समझ में आया या सेशन आपको कैसा लगा है ना तो आपको जरूर यह बात बताना है कल जब हम मिलेंगे आपसे इस टाइम पर तो उस वक्त हम करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस तो इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते अब चल जाएंगे वैसे वैसे कुछ बहुत नया सीखने वाले हैं जो अब तक हमने बायो में नहीं पढ़ा है वो सीखने वाले हैं तो बहुत ही मजेदार होने वाला है यस सर यू प्योरली क्लियर एक्सप्लेन इट वेरी ऑसम मैंने थैंक यू फॉर दैट पलक तो ये चीजें आपको आज क्वेश्चन नहीं करा रहे क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन करा लिया उसके बाद अब टाइम हमारे पास है नहीं तो आपको क्या करना है कि जो चीजें मैंने समझाई है उसको ढंग से समझ के एनसीआरटी पढ़ लेना है एनसीआरटी में थोड़ा सा पढ़ना ही है तो आप उसको पढ़ लोगे आपको वो पूरी तरह से याद हो जाएगा ठीक है तो ये काम आपको कर देना है नाउ वॉट यू ऑल है इसके अलावा और क्या काम करना है तो आ, कल सुबह दस बजे सारे बच्चों को सेशन को शेयर करके बता देना है कि कल हम बेसिकली समझेंगे कि एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है बायो के अंदर बायो के अंदर हमने एमसीक्यू सॉल्व हम कर रहे हैं ना तो मैं वहां पे कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको अभी भी टाइम दे रहा हूं कि आप अपना जो भी डिमांड है यूनिट का कौन सा डिमांड का एमसीक्यू कराना है वो आप मुझे बता दो है ना तो मैं कल आपके लिए एक सेशन ला रहा हूं जिसमें मैं आपके डाउट्स लूंगा और आपको मैं बातें बताऊंगा कि एमसीक्यू करने के फायदा के फायदे क्या हैं क्या फायदे हो सकते हैं so so तो के के है आप जो भी चीजें आज पढ़ाई गई उसको एनसीआरटी से एक बार पढ़ लेना और अगर एनसीआरटी से पढ़ लोगे उस लाइन सारी चीजों को तो कमेंट बॉक्स में बस बता देना कि यस सर होमवर्क कंप्लीट कर लिया है हमने यानी डन लिख देना वहां पर ठीक है तो आप सभी को क्लियर हो गया हो जाएगा यस yes, तो बहुत जरूरी है इन चीजों को करना यस एनिमल फिजियोलॉजी करेंगे या क्या करेंगे फॉर दैट यू ऑल हैव टू ये कमेंट बॉक्स अंदर कमेंट करके बताना होता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको बताएंगे चलिए थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन आप सबने बहुत देर तक अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखा बहुत बढ़िया बात है और आज आपने बहुत कुछ सीखा है बहुत नया कुछ सीखा है जब मैं इसका एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा तो मुझे ये इफेक्ट दिखना चाहिए कि मैंने जितनी मेहनत से और शिद्दत से आपको पढ़ाया है उतना ही मेहनत से आपने चीजें ग्रैप की है और जब आप मिले मुझे ये जब एमसीक्यू सीरीज में तो उसके आंसर्स आप करते हुए नजर आने चाहिए चलिए थैंक यू एवरीवन थैंक यू एवरीवन और ये काम आप सभी करेंगे ओके गुड थैंक यू एवरीवन